ग्रीटिंग्स एवरीवन। जैसा कि अभी लॉन्ग वीकेंड गुजरा है सो मेरे पास भी काफ़ी कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये होगी इस साल की आखिरी वीडियो। इस दफ़ा ग्रॉसरी के लिए हमने सोचा कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर चलते हैं चेज़अप के बजाय, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि वहाँ काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी और फिर दोबारा हमें कहीं और से लेनी पड़ती थी। हस्बैंड ने कैटेगरी वाइज लिस्ट बना ली थी और फिर कुछ चीज़ें जो मुझे जहन में आ रही थी वो मैंने ऐड कर ली। सो इस तरह ये होता है कि जब हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना ग्रॉसरी के लिए, तो हम वो कैटेगरीज आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें इनको पिक करनी है और ये वाली चीज़ें मुझे पिक करनी है। अभी मैं यहाँ ऊपर इनके ना कॉस्मेटिक सेक्शन में आई हुई थी और फेस वॉश चाहिए था मुझे। सो मैं देख के बहुत ही हैरानी हुई मुझे कि ये इनकी प्राइसेस कॉस्मेटिक्स की बहुत ज़्यादा हाई हैं। अभी लास्ट मंथ ही मैंने कारफोर से न्यूट्रोजना के फेस वॉश लिए थे और यहाँ पे इनकी प्राइसेस जो थी, जैसे एक अगर 1500 का है तो यहाँ पे 2500 का है, एक अगर मैंने 2000 का लिया था तो वो 3000 समथिंग का है यहाँ पे। बाकी चीज़ों में हमें इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ या तो इतना ज़्यादा हमने नोटिस नहीं किया, मगर कॉस्मेटिक्स में तो बिल्कुल साफ जाहिर था बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई थी। सो मैंने कोई भी फेस वॉश यहाँ से बाय नहीं किया और लास्ट में हमने इनका लकी ड्रॉ का कूपन रिफिल कर लिया। ये है कि इस तरह की किस्मत आजमाई भी करते रहना चाहिए लाइफ में। और बस फिर इसके बाद घर पहुंचे हैं। ग्रॉसरी तो एज इट इज़ मैंने रखी, खाली पेरिशेबल आइटम्स जो थे उन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया, जैसे सब्जियां वगैरह, और फिर बच्चों के साथ मुझे उनके शॉपिंग के लिए निकलना था। यहाँ ले रहे हैं कुछ स्क्रंचीज, हेयर क्लिप्स, पिंस और क्लचर्स वगैरह जो भी एक्सेसरीज होती हैं, और लिप बाम चाहिए था इनको वो ले रहे हैं। आप कह सकते हैं ये हलाल है, ये हलाल है। ये वाला लेंगे तो ये आपको 390 का पड़ेगा, वो 450 का है, ये 290 का। और सीकंदर प्रे को सादा आता है ट्रांसपेरेंट, तो इस टाइप का ये वाला आपको पड़ेगा 250 का। ये ले रहे हैं यहाँ हम लोग लेने आए हैं ब्लैक और वाइट में ट्राउजर्स। मोस्टली तो हम लोग रेडीमेड कपड़े लेना ही प्रेफर करते हैं, मगर इस दफ़ा हमने ये प्लान बनाया था कि वाइट और ब्लैक जो है ना ट्राउज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली रेडीमेड की लेंथ जो है वो हमें सूट नहीं करती, बहुत ही कम होती है उसकी लेंथ। और अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे। काफ़ी अच्छी वैरायटी और काफ़ी डिज़ाइंस थी यहाँ पे। आई गेस ये 4th या 5th फ्लोर होगा। एक ये वाला दिखाओ और एक कौन सा कह रही हो आप? बहुत ही क्यूट क्यूट सी डिज़ाइंस थी और अच्छे कपड़े थे, फैब्रिक भी अच्छा था और प्राइसेस भी बिल्कुल सही इन्होंने लगा के दी। हम लोग इनफैक्ट तलाश में थे चिकनकारी ब्लैक में, और कुछ और फ्लोरल प्रिंट्स भी देखनी थी। सो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ गई। ये इंडियन है कपड़ा, तो कैसे दे रहे हैं? 1000 रुपए गज पड़ेगा। और ये भी सारा? ये भी सारा इंडियन पिनकारी, वो विदाउट सीक्वेंस है और ये वाले सीक्वेंस वाले। अच्छा, वो कट वर्क में, ये नॉन कट वर्क देना पर मुदा से ऊपर को मने इधर आवे। अच्छा, ये कैसे? ये भी आपको इसी रेट में देगा। अभी ये इस तरह की जो काफ़ी डिज़ाइंस और रोल्स में जो कपड़े रखे हुए हैं, ये तकरीबन 1000 से स्टार्ट हो रहे थे और 2200 तक थे। प्रिंट्स बहुत ही डिफरेंट थी, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, गाड़ियाँ और डॉल्स और पता नहीं क्या क्या बना हुआ था कपड़ों पे। चलें जी ये लेते हैं, कार में चलेंगे बैठ के। बस ये अब हमारी वापसी है, राबी सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी सी शॉप है लेसेस की, काफ़ी वैरायटी मौजूद है। अभी हम जा रहे हैं डॉलमेन की तरफ जो कि बिल्कुल बराबर में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। वहाँ देखते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो वहाँ पे हैं कि नहीं हैं, और फिर बस उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस घर। और घर पहुँच के ना मैं आपको क्विकली थोड़ा सा सब चीज़ें दिखा दूँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं आज। ये आपने क्या लिया? और अब मैं बारी बारी आपको एक मिनट के अंदर दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। काफ़ी चीज़ें तो आप देख चुके हैं। बस अभी घर वापस आए हैं और ये 3990 की, मगर हमें डिस्काउंट में 2000 में मिली है, ठीक है। और ये साया का सूट है जो कि इसकी प्राइस वैसे
4,790 और हमें मिला है ये सेल में 3,000 का। फिर ये चिकनकारी है और ये, और इसके अलावा ये सूट है, ये मैं जब बनवाऊंगी तो फिर आपसे शेयर करूंगी। ये वाइट और इस तरह ये हो गया। फिर आते हैं इस तरफ, ये 195 है। ये हमने लिपस्टिक्स लिए हैं और ये जो कि आप मेरे हाथों की हालत देख रहे हैं, सो ये हमने क्लचर्स लिए हैं। वैसे क्लचर्स उस जगह पे हमें थोड़े से बड़े चाहिए थे जो कि नहीं मिले, सो फिलहाल ठीक है। ये दो पैक में थी 150 में और ये 490 में। ये हमने डॉलर शॉप से लिया है ना, 275 में। कितने क्यूट सा है। तो ये सईद गनी के सन ब्लॉक जो कि मैं सूट करते हैं, दो ये लिए हैं और एक जॉनसन्स का फेस वॉश लिया है। ये तारिक रोड राबी सेंटर की शॉपिंग उसके साथ ही ये वाली, और ये स्कार्फ है, ये वाइट ट्राउज़र और ये ब्लैक ट्राउज़र। ये हमने डॉलर स्टोर से लिया है। 6 मग्स हमें मिले हैं 550 में। काफ़ी थकन हो गई थी सो हमारे घर की टी गॉडेस ने न्यू कप्स में चाय भी पिलाई है ज़बरदस्ती। और बस अब यहाँ मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। रात को मैं पुलाव बना रही हूँ। पहले मेरा इरादा था ना कि मटर पुलाव बनाती हूँ जस्ट, मगर इतनी ग्रॉसरी करके आने के बाद जो मैंने देखा ना कि बहुत ज़बरदस्ती फ्रेश थी सब्ज़ियाँ हैं, तो फिर मैंने सोचा कि सारी सब्ज़ियाँ डाल के मैं क्यों ना एक वेजिटेबल पुलाव बना लूँ। और यहाँ ना मैंने एयर फ्रायर में ही प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, और मोस्टली तो मैं ब्राउन नहीं करती, ज़्यादा डार्क नहीं करती, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलिए इस तरह ट्राई करते हैं। और फिर इसके साथ मैंने ये सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं और मूली इसमें मैंने ऐड की है हस्बैंड की फरमाइश पे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है, कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए हैं और बाकी जो भी मसाले होते हैं, गरम मसाला है, सौंफ, इलायची है, और इसके अलावा जो सूखा मसाला है ब्लैक पेपर, ये ऐड किया है। अब इसमें मैं चावलों के लिए पानी ऐड करूँगी और ऑलरेडी भीगे हुए चावल हैं वो शामिल करके और दम पे लगा दूँगी। यहाँ मैंने इसके साथ ज़बरदस्त सा रायता बनाया है, ग्रीन मसाला जो मेरे पास अक्सर ग्राइंड करके मैं रखती हूँ वो है, और फिर थोड़ा सा सैलेड भी बनाया है। और ये देखिए इसकी फाइनल शक्ल, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त स्पाइसी बना था। ये अब है नेक्स्ट डे का क्लिप, और सुबह हुईया कि आज सिर्फ 2 घंटे की क्लास थी, सो हमने सोचा कि इसे पहले ड्रॉप करते हैं और एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो ले लेंगे और फिर वापसी में इसे पिक कर लेंगे। और जी यहाँ मुझे ना गाड़ी में बैठने से पहले हस्बैंड के ऑर्डर्स थे कि ये इस साइड वाले जो शीशे हैं ना गाड़ी के वो साफ़ करके फिर बैठना है। बाय बाय हुरिया। बस अब यहाँ हुरिया को ड्रॉप कर दिया है, अब हम जा रहे हैं कारफोर में चेक करेंगे कि कुछ चीज़ें जो ना उस दिन रह गई थी इम्तियाज़ स्टोर से नहीं मिल पाई थी, सो यहाँ देखेंगे और यहाँ से ले लेंगे। तो जी फाइनली यहाँ से हमें वो चीज़ें मिल गई जो हमें चाहिए थी। मॉल को यहाँ बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ है 25 दिसंबर और क्रिसमस के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें कहीं से और कुछ चीज़ें कहीं से अच्छी मिल जाती हैं, सो यहाँ हमें ऑरेंजेस बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिल गई और प्राइस भी बिल्कुल ठीक थी। और इसके अलावा ना मुझे एक और चीज़ ज़बरदस्ती नज़र आई, वो है स्लीपर्स, जो कि ये बहुत ही स्टफ़्ड और फ्लफ़ी किस्म के हैं। ये लास्ट टाइम मैंने टर्की से लिए थे इस तरह के, और आपने देखे भी होंगे मेरी वीडियोज़ में, सो यहाँ मुझे ये चीज़ नज़र आई 1500 की, काफ़ी सॉफ्ट और कम्फर्टेबल हैं। और देखो ये कौन आया, प्रिटी सा प्लांट। इसकी कीमत 100 रुपीज़ है और ये हमारे नीचे ही बराबर में ही कोई एक शॉप है जहाँ पे प्लांट्स और प्लांटर्स मिलते हैं, सो ये हस्बैंड लेके आए हैं। ये मासूम से फूल पौधे भी ना कैसी चीज़ है कि घर में लाने से कितनी बहार और रौनक हो जाती है।
और ये पार्सल ना अभी अभी रिसीव हुआ है, सो मैंने सोचा आपके साथ भी जल्दी से शेयर करूँ। इसमें है ज्वेलरी, और इस ज्वेलरी की ख़ास बात ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है, और पहले भी हम लोग इससे यहाँ से मंगा चुके हैं ऑनलाइन। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इसका नाम है TJ होलसेल ज्वेलरी, और ख़ास बात इसकी यही है कि ये होलसेल रेट्स पे मिलती है। और ये अभी ना उस वक्त मैंने गैस सिलेंडर पे ही यखनी चढ़ाई हुई है, क्योंकि गुड़िया को आजकल काफ़ी खांसी स्टार्ट हो गई है, सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको आराम आ जाएगा अगर ये पिएगी तो। लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना हमारा एक और भी ज़बरदस्त प्लान बना, और वो था बीच पे जाने का। ये भी सैंडविच है? ये क्या है, चिकन है? वहाँ जाने से पहले ना हमने रास्ते में ही, ये कोई बहुत ही करीब था क्लिफ्टन में ही, यहाँ से एक कॉफ़ी डिज़र्ट ट्राई किया फर्स्ट टाइम में ही, और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस था। 10 out of 10 मार्क्स दिए गए बच्चों की तरफ से। कॉफ़ी बीन की तरह ही इसको शेप दिया गया है, और इसका नाम था कैरेमल लाटे। तो काफ़ी दफ़ा हमने बीचेस पे देखे हैं पड़े हुए, मगर फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ना ऐसे पानी से नीचे उठा के और चेक किया, और आउटर लेयर इसकी इतनी हार्ड थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह खुलता है और बंद भी होता है। करीब जो भी चीज़ें हैं, कुछ टाइम वहाँ गुजारने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग और बंदा बहुत काम सा फील करने लगता है। सनसेट का व्यू और विटामिन सी का डोज लेने के बाद अब हमारी है घर वापसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए साल की नई वीडियो के साथ।